शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफ़ियत से रखें अपने हिस्सों अमान में रखें और आप लोगों को बी एस पी प्रोग्राम और दिगर प्रोग्रामों से हेल्प आउट भी करें अगर आप इसके हकदार हैं और मुस्तक हैं तो नाज़रीन यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई अपडेट जारी की गई है और अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और यहाँ पर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है तो यकीन मानिए आप लोगों को पच्चीस हज़ार से लेकर तकरीबन पचास हज़ार तक की जो इमदाद है वो मिल सकती है लेकिन एक माह के अंदर आपको या तीन माह के बाद आपको कितनी इमदाद मिलेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अगर आपका नाम मौजूद है ना तो तीन माह के बाद कम से कम आप दस हज़ार पाँच सौ और ज़्यादा से ज़्यादा आप बत्तीस हज़ार तक की जो इमदाद है वो यहाँ से वसूल करेंगे यहाँ पर आपका नाम मौजूद है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको बी प्रोग्राम से पैसे मिलेंगे और ये भी बता दिया जाएगा कि कितने पैसे आप लोगों को मिलेंगे अगर आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो मैं आपको एक काम बताने वाला हूँ वो आप लोगों ने कर लेना है अगर आपने वो काम कर लिया तो हुकूमत आपको बी प्रोग्राम में शामिल भी करेगी आपकी खिदमत भी करेगी बस आप हकदार हों जो लोग भी हकदार होंगे ना उनको हुकूमत ने तनहा नहीं छोड़ना हुकूमत ने आपका साथ देना है अब हुकूमत ने बी एस पी पोर्टल जो हुकूमत ने पहले जारी किया था इसको अपडेट किया है और अपडेट करने का मकसद ही यह था कि जो लोग हकदार हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाए और हुकूमत ने मज़ीद दस लाख खानदान भी इसमें बड़ी मेहनत से शामिल किए हैं जो कि हकदार थे और ये हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि वक्त की ज़रूरत थी और लोगों की भी ज़रूरत थी कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो ताकि उनकी कफालत हो सके तो अब यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रही है और वफाकी सतह पर तमाम सूबों के लिए जो प्रोग्राम है वो शुरू कर दिए गए हैं अगर आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे आपने लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है मैं सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ तो इसके लिए आपने गूगल में जाना है गूगल में जाकर आपने एक छोटा सा काम कर देना यहाँ पर लिखना है आठ एक सात एक स्पेस देनी है बी एस पी पोर्टल लिख देना है उसके बाद आपके सामने पोर्टल आ जाएगा पोर्टल को आपने ओपन करना है ओपन करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर क्या है तो आपने अपना जो सी एन आई सी नंबर है वो दर्ज कर देना है या अपनी जो वाइफ़ है मिसिस है उनका आपने दर्ज कर देना है या जिनका आप चेक करना चाहते हैं उनका अपने सी एन आई सी नंबर यहाँ पर फुट कर देना है और इसमें कोई डैश वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है उसके बाद नीचे जो है आपको चार हिंसों का कोड नज़र आ रहा है सिंपल कोड जो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपने दर्ज कर देना बाजूत यह कोड आपको नजर नहीं आता तो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको दोबारा ये यह कोड यहीं पे मिल जाएगा और हर बार नया कोड मिल जाएगा शिनाख्ती कार्ड नंबर तसली तो कर लें ठीक लिखा है कोड देख लें सही लिखा है तो उसके बाद नीचे जो मालूम करेगा ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आगे देखने को मिलेगा अब इस मैसेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि आपका ये वाला शनाख्ती कार्ड नंबर है उसके बाद नीचे बताया गया है कि आप जो बी का प्रोग्राम है इसमें आहिल है और आपकी जो दस हज़ार पाँच सौ रुपये की किस्त है वो आ चुकी है अगर आपने अभी तक वसूल नहीं की तो आपके करीब जो भी बी प्रोग्राम का सेंटर मौजूद है बैंक मौजूद है या जहाँ पर आपको पेमेंट दी जा रही है कोई शॉप है तो वहाँ पर जाकर आप लोग ले सकते हैं अब जिन लोगों को यहाँ पर आहल नहीं किया उनको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको दस हज़ार पाँच सौ मिलेगा आपको पच्चीस हज़ार मिलेगा आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा अगर आपको बताया जाए कि आप यहाँ पर आहल नहीं है या सर्वे करवाएं तो आप सर्वे करवा लें सर्वे करवा लिया आपने लेकिन फिर भी पैसे नहीं मिल रहे तो फिर आप लोगों ने एक काम करना है पाकिस्तान के जो वज़ी अजम हैं इन्होंने एक पोर्टल मुतारफ़ करवाया और ये पोर्टल मुतारफ़ करवाने का मकसद ये है कि जो गरीब ख़ानदान है गुरबत की ज़िंदगी गुजारे हैं इनके हालात को बेहतर किया जाए तो आप लोगों ने काम ये करना है कि इस पोर्टल पे जाना है और अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज करवानी है अगर आप वाकई ही हकदार हुए आप मुस्तक हुए तो आपको पेमेंट दी जाएगी इस पोर्टल पे आपने करना ये है कि आपने ये बताना है कि आप हकदार हैं आप गरीब हैं ज़रूरतमंद हैं लेकिन इसके बावजूद आपको आहल नहीं किया जा रहा आपने सर्वे भी करवा लिया तो फिर वो देखेंगे कि वजह क्या है जो वजह होगी उसको दूर किया जाएगा और आपको आगाह किया जाएगा ये जो पोर्टल है ये है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो इमरान खान के दौर में बना था लेकिन उसके बाद वज़ी अज शबाज शरीफ ने इसको और बेहतर बनाया और अब इसको कंटिन्यू किया जा रहा है और मजीद इसमें जो चीज़ें हैं वो ऐड की जा रही हैं ताकि अवाम की जो है आ, सही तरीके से खिदमत की जा सके अगर आज की हमारी यह अपडेट पसंद आई है तो लाइक लाजमी करना है और ये मालूम दूसरों के साथ भी शेयर करनी है ताकि उनका भी यहाँ पर फ़ायदा हो जाए